एंजॉय करो, रिलैक्स करके समझने की कोशिश करो. यस सर. ओके ठीक है. ओनली माय वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी. ओके बहुत इजी चैप्टर है, बस रिलैक्स करो. बस जो नोट्स बनेंगे ना बोर्ड पे वो बना लेना. मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टर बनो. स्मार्ट स्मार्ट कम क्या बोलते हैं काम एक ना एक गुजराती में कहावत है कि पैसा थोड़ा नफा चोखा, ऐसा कुछ बोलते हैं नफा चोखा. तो वो वाली बात डाल लो तुम. मेरे को जो मेरी बात मैं जो बोलता हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा, जितनी कह रहा हूँ उतनी कर लो और बाकी अच्छे नंबर लेके आओ. आई एम नॉट लाइक योर पेरेंट्स जो बोलते हैं सुबह शाम बाबा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. मैं तो कभी नहीं बोलूँ, मैं अपने बेटे को नहीं बोलता, लेकिन जो पढ़ो स्मार्टली पढ़ो. माही गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. क्लास 9 सर. हाँ जी सर. आपने कल का वीडियो डाल दिया था क्या? कल का वीडियो नहीं डाल रहा, मैं डाउनलोड नहीं हो रहा. कल किसी क्लास का डाउनलोड नहीं हो पाया, देखता हूँ कोशिश करता हूँ. क्लास 9th 7th दिस इज गाइस चैप्टर नंबर 10 ना सर? 11. वर्क एंड एनर्जी. ओके देखना ऐसा बढ़िया फ्लो लग के चलेंगे हम आगे की तरफ कि तुम लोगों को मजा आएगा. तुम बोलोगे सर हाँ सब कुछ आ रहा समझ में. हम ऐसे डर रहे थे. देखो दोस्तों मैं तुम लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ आज की क्लास में. कैन यू टेल मी व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड एवरी एक्शन हैज एन स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2as. हाँ वो न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहे हो चाचा तुम. भरत थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. यस खालिद ने बिल्कुल सही बताया. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इस चैप्टर में बार बार तुम्हारे सामने आएगी. ओके अब सपोज करो हमारे हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो चैंपियन है. और किस चीज का चैंपियन है? वो है अपना स्केटिंग का, स्केटिंग रेसिंग का चैंपियन है. नेशनल खेल चुके हो अनंत? यस सर. ओके तो सपोज करो अब हम अनंत से बात, आज बात अनंत दुबे से शुरू करते. अनंत दुबे यहाँ खड़े हुए हैं, स्केटिंग रिंग्स पे इनके पैर हैं, यहाँ स्केट्स लगे हुए और ये रेडी हैं चलने के लिए. ठीक तो सबसे पहली चीज हमें देखनी पड़ेगी कि लेट अस से अभी ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, इनका यू इजकल टू जीरो है और इन्होंने स्टार्टिंग करी और उसके बाद टाइम 5 सेकंड के अंदर इनकी जो वेलोसिटी है अभी वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई. इस गिवन डेटे से, इस गिवन डेटा से वैभव मैं ए निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? नहीं सर. ओके निकाल सकता हूं. एक्सेलरेशन होता है, निकाल सकते हो, टाइम भी दिया हुआ है. हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये सबको पता है. ये फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू को इधर ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. ए इज इक्वल टू वी माइनस. क्यों अंकल सही कह रहा हूं क्या? ये फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारी, मुझे लगा फर्स्ट इक्वेशन सबको याद होगी. वैभव हम निकाल सकते हैं, वैभव हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. ए निकल जाएगा मेरा. तो अनंत ने अपनी रेसिंग शुरू करी दोस्तों, रेसिंग शुरू करी अनंत ने अपनी. हमारे पास ए निकालने का तरीका है, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल. ओके ए तो लग मिल गया. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा हूं तुम्हें. सपोज करो अनंत का जो बॉडी बॉडी का मास है वो एम है, मास एम. तो इसको ये एक्सेलरेशन अचीव करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा? वो एफ इज इक्वल टू एम ए से मिल जाएगा ना हमें. कितना फोर्स चाहिए होगा? इसकी पैरों की मसल्स ने कितनी जान लगाई होगी, कितना फोर्स अप्लाई किया होगा इसको अचीव करने के लिए एक्सेलरेशन को. क्या हम निकाल सकते? ये हमारी स्टेज वन थी. यस सर. यस सर. स्टेज वन ये थी. अब मेरी स्टेज टू पे आ गया हूं. स्टेज टू दोस्तों अब इस चैप्टर पे पहुंच गया. इस चैप्टर में हमें क्या लिखेगा कि पहली बात वर्क क्या होता है ये समझ लो. वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स
इनटू डिस्टेंस। अगर इस भाई ने अनंत जा रहा है इधर, मतलब एंजॉय कर रहा पूरा कंपटीशन के अंदर खेल रहा है, और इधर फुल मस्ती में अपना चल रहा है इधर की तरफ, भागा जा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अरे बट फोर्स तो न्यूटन मीटर सेकंड्स में होती है ना। रुक जा, तू ना बीच में ना पिक्चर चल रही होती ना, तो बीच में वो पूरा वो कर देता, गड़बड़ कर देता। यूनिट यूनिट तो बता दूंगा, यूनिट आ जाएगी बाद, यूनिट बता दूंगा, यूनिट की बात बाद में आ जाएगी, पहले इसको तो देख ले। तो भाई ये चला पड़ा सर, इसने इसके पैरों ने जान लगाई है फोर्स एफ से, और ये टोटल डिस्टेंस एस कवर कर गया। तो यहां तक आते आते इसकी बॉडी ने कितना काम किया, वर्क कितना किया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। अब हम एक बार जैसे खालिद ने बोला कि सर थोड़ा यूनिट ऐसा यूनिट बता दो, बता दो। देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ रखा है, इधर तो सिर्फ मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, इधर सेकंड स्क्वायर आ गया। एफ इक्वल टू एम ए जब यहां करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम प्यार से एक छोटा सा नाम दिया हुआ है, पेट नेम है, घर में बुलाने वाला न्यूटन, न्यूटन सर आइजक न्यूटन के नाम पे, न्यूटन यानी एन बोलते हैं इसको। अब आ जाओ वर्क पे, वर्क की क्या यूनिट बनेगी दोस्तों, न्यूटन मीटर बनेगी क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होता है, लेकिन इसको हम प्यार से बोलते हैं जूल। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जूल, उनके रेस्पेक्ट में इनके ऑनर में इसको जूल बोलते हैं। सर मेरे को एक डाउट है जी, हाँ पूछो डाउट। सर ये हमें कैसे पता चले कहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना है, मीटर पर सेकंड कहाँ लगाना है? लगाना मतलब ऐसा लगो वो थोड़ी चला रहे हो, वो फूल थोड़ी चला रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो सर उसे मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, ये साइंस है, वो थोड़ी चले सब्जी मंडी तो भैया थोड़ा सा और धनिया दे दो ना, तो हर चीज एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्ट स्पीड जो होती है वेलोसिटी उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक्सेलरेशन की वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खालिद ओके सर, ओके ओके यस सर आई गॉट इट। तो दोस्तों तीन चार फॉर्मूले दो मिनट में हमने कवर कर लिए, एक एक करके देखें। पहला था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, उसके बाद दूसरा था एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, तीसरा था W इज इक्वल टू एफ इंटू एस एस। ठीक सर, वर्क को W से डिनोट करते हैं। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन एंड दिस इज जूल। वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट है जूल दोनों का। और क्या बता रहा, देखता हूँ तुम्हें, क्योंकि इससे पहले कि मैं चैप्टर खत्म शुरू करूं ना, मैं चाहता हूँ चैप्टर तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए बिल्कुल। नोट्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्लियर करेंगे दिमाग में आपके। सर इस चैप्टर में शायद एनर्जीज के बारे में, बेक काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट। हाँ, एक तो खाली ना ऑल दैट मत यूज किया, जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर होती है वो यूज करते हैं वर्ड ऑल दैट। काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी और सारी एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी नहीं है इसमें, विंड एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ऑल दैट जो वर्ड यूज, जब भी कोई बंदा तेरे ना ऑल दैट का यूज कर, समझ लो उसकी अंग्रेजी माड़ी है, कमजोर अंग्रेजी है, ही इज ट्राइंग टू हाइड इट, कवर इट विद ऑल दैट, समझा? खालिद यस सर, यू आर माय स्टूडेंट, बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट ईच एंड एवरी वर्ड एग्जैक्ट। मेरे को आज तक यूज करते हुए देखा एंड ऑल दैट, कभी रफ कन्वर्सेशन में किया होगा तो किया होगा, नॉर्मली नहीं करता। ओके दोस्तों, ठीक है, एक वर्क के बारे में एक चीज बतानी तुम्हें, फोर्स जो होगा ना वो ऑलवेज, उसकी फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स ऑलवेज एक डायरेक्शन लगेगा, बट वर्क हो सकता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर कैसे वर्क, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव? देखो यार, अगर आपने ये एक यहां अर्थ पे खड़े हो, आप अर्थ से आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, अपनी जान लगा के ऊपर हाथ फेंकी, तो तुम देखो कि तुम्हारे तुम जो फोर्स लगा रहे हो, तुमने जो फोर्स लगाया वो पॉजिटिव वर्क करता हुआ उसको ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन उस पर एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स जो उसे नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है,
तो ये वाला फोर्स नेगेटिव है और ये वाला फोर्स पॉजिटिव है, ये वाला वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव। आप एक उसी की बात कर रहा हूं जो अनंत के जो रोलर्स है, अनंत का फोर्स उनको इस तरफ ले जाके पॉजिटिव वर्क कराना चाह रहा है और नीचे का जो फ्रिक्शन है अर्थ ग्राउंड का उसको उल्टी डायरेक्शन में इस पे वर्क कर रहा है। तो आप देखोगे कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव दो डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी गो टू ओके, लेट्स नाउ लुक एट एनर्जीज। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देना हो एनर्जी की और इसी से नोट्स में तुम इसी को लिखना, इसी को याद भी करना। व्हाट इज एनर्जी? अच्छा, मेरी जो डेफिनेशन है बहुत छोटी होती है भाई, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्टली छोटी मत लिखना, थोड़ी सी बड़ी कर देना। एनर्जी इज द, ऐसे करके दो चार वर्ड आगे पीछे लगा के। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू वर्क। एनर्जी इज कैपेबिलिटी टू वर्क। एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज काइनेटिक। काइनेटिक होंडा एक गाड़ी आती है, किसी ने सुना है काइनेटिक? एक्टिव आगे कुछ किसी आती है। यस सर। काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूविंग, एंड देन इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ई के भी लिखा जाता है, कहीं कहीं के ई भी लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को ई पी भी लिखा जाता है ऐसे करके, और कहीं कहीं पी ई भी लिखा जाता है, दोनों तरह से ध्यान। काइनेटिक एनर्जी क्यों है किसी बॉडी की? सर, काइनेटिक एनर्जी सबस्क्रिप्ट में के लिखा जाता है। हाँ, ई के, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से होती है, जैसे जो पहाड़ के ऊपर से पत्थर आ रहा लुढ़कता हुआ, लुढ़कता लुढ़कता लुढ़कता, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। भैया पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर है? धनुष का, धनुष वाण, धनुष के अंदर जो वाण लगा, यानी कि आपके बो के अंदर जो एरो आपने बंदे ने पकड़ के रखा हुआ है, रबर बैंड की हेल्प से किसी ने पेपर पकड़ के रखा हुआ है, रोक रखा है उसको पोजीशन, जैसे वो छूटेगा फट से छूटेगा। पहाड़ के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा पत्थर है, उसके नीचे एक छोटा पत्थर ने उसको रोक रखा है। अगर वो छोटा पत्थर हिल गया तो ऊपर से जो पत्थर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलनी शुरू हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी सर। आई हैव अ डाउट। हाँ बता सर। हमारी मैम ने कहा था अगर सर ऊपर से अगर हम कोई पत्थर फेंकेंगे तो सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस पर वर्क भी करेगी साथ साथ में। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दे, मुझे लग रहा है कुछ उन्होंने डाउट छोड़ दिया तुम्हारे दिमाग में, वो डाउट मैं क्लियर करता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर पत्थर को छोड़ रहे हो कि फेंक रहे हो? सर हम लोग छोड़ रहे हैं तो सर उस जब वो गिरेगा तो सर गिरने के साथ साथ उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और काइनेटिक एनर्जी उस पर वर्क करेगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, आई विल मेक दिस क्लैरिफिकेशन यहाँ पे। देखो आप ताजमहल, आपने आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, कुतुब मीनार सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, अपने नाम से नहीं बनाई थी, एक सूफी संत से कुतुबुद्दीन उनके नाम से बनाई थी। तो आप यहाँ चढ़ गए और आपने यहां से एक पत्थर छोड़ दिया। यस सर। इस पत्थर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है एम जी एच। एच इसकी हाइट। जैसे जैसे पत्थर नीचे आता रहेगा, अब इसके अंदर पोटेंशियल इस पॉइंट पे दोस्तों इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा दोस्तों इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। एंड जब ये नीचे जमीन पे आएगा तो जमीन पे काइनेटिक, जस्ट बिफोर टचिंग, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये होता है इसका। लेकिन एनर्जी का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ कराऊंगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कई बार एग्जाम में आता है। ओके,
सो ये ऐसा हुआ। अब मैं तुम्हें एक और डेरिवेशन बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का। इस पे आएंगे बाद में, ये मैं कराऊंगा बाद में, या हो सकता है अभी करा लूं। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे होगा, यानी कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ओके, फर्स्टली जस्ट रिमेंबर द टू फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एम मास, जी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच इज हाइट, जितना ऊपर लेके जाओगे उतनी ज्यादा। नो सपोज करो दोस्तों, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला क्यों है? दो का है कि था? दो का सर, एक e बड़ा e और सबस्क्रिप्ट में k है, उसका हाफ इनटू m इनटू फार्मूला थोड़ी है, फार्मूला नहीं है चाचा, ये तो उसको नोटेशन है, उसको लिखने का तरीका है, फार्मूला तो ये एक ही है, नाम उसके काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख दिया, e के लिख दिया। सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, या mgh प्रोडक्ट ही तो होगा यार, तो भी ना बच्चे वाली बात है, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन होगा ना। ओके सर, अब वापस आ रहे हैं हम अनंत के स्केटबोर्ड पे, अनंत के स्केटबोर्ड पे वापस आ गए। अनंत ने जब शुरू किया था तो ओरिजिनल वेलोसिटी जीरो थी, थोड़ी देर भी बंदा सुर मारता हुआ जा रहा है आगे, अब इसकी वेलोसिटी v होगी, फाइनल वेलोसिटी। जब ये निकला उसके सामने से, जो जज था उसके रेफरी के सामने, तो यार इस बंदे ने जब इतनी जीरो से लेके v तक आया है, तो इसका भाई इसके ऊपर कुछ तो इसने एनर्जी लगी होगी, इसके पैरों को कुछ तो वर्क किया होगा इसने, तो एनर्जी और वर्क जो है, शुरू में तो बिल्कुल अकेला खड़ा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और अब देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई और ई के कितनी होगी भाई, जितना भी इस बंदे ने फोर्स लगाया है और जितने डिस्टेंस तक लगाया उतनी एनर्जी इसके अंदर अभी आ गई। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान हो, इस वाली इक्वेशन से मैंने बोला था, इस इक्वेशन से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूं, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्यों रिशित, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस 2a को इधर ले गए इसके नीचे, रिशित माही कोई दिक्कत तो नहीं? कैन वी डू दिस, ये हो जाएगा, कर सकते हैं? okay. माही कंफर्म हो जाएगा ना? अनंत ये तो हो जाएगा अपना एस की वैल्यू निकल जाएगा, हो जाएगा ये सर, लिख रहा हूं। ओके, लेकिन तुम लोगों को ध्यान होगा एफ इजिकल टू एम ए कहां गया, एफ इजिकल टू एम ए, तो एम ए इंटू एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। दोस्तों जब अनंत ने अपना स्केटिंग शुरू नहीं किया था, खड़ा था, तो उस वक्त u जीरो था कि नहीं था? सर था, थर्ड था। तो मैं यहां से u को हटा रहा हूं, u को मैं हटा रहा हूं, यहां पे यहां लिख देंगे u इक्वल टू, अगली लाइन में u को हटा रहा हूं, जीरो है। a से कट जाएगा ये, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर अपॉन टू, और टू को शायद ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टू को यहां ले आओ, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है निकालने का, डेरिवेशन भी समझ में आ गया हमें। कैसे, हमने कहा बंदे ने जीरो से शुरू किया और फाइनल वेलोसिटी वी अचीव कर ली, मेडल भी लेके आया साथ में, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लगी इसकी भाई, जितना इसने काम किया और जितने डिस्टेंस से काम किया, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एफ इनटू एस, एफ इज इक्वल टू एम ए, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू जीरो है,
तो वी स्क्वायर अपॉन टू है, ए से कट गया, ए हाफ एम वी स्क्वायर, आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम्हें एक डेरिवेशन समझाऊंगा मैं बाद में, जो कि वो ऊपर से कुतुब मीनार से गिरने वाला, बट कुछ रीडिंग कर लेते, नहीं तो फिर तुम लोग क्या हुआ बिल्कुल एक वो हो जाओगे। राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट, आई एम शेयरिंग द नोट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एक्सक्यूज मी सर, बताओ भाई, कुछ 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 सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इंटू एच, ग्रेविटी का तो पता ही 9.8 होती है। यस सर, तो बस मास इंटू 9.8 इंटू जितनी हाइट, जितनी हाइट चढ़ाई, कितना ही है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ऑल राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट, एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक साइड से स्टार्ट कर देंगे, ऊपर से शुरू करते हैं, अनंत आपसे शुरू करते हैं अभी, चलो आप पढ़ो यहां से। चैप्टर 11, वर्क एंड एनर्जी। यस सर, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। अलोंग विद इट वी विल स्टडी टू साइंटिफिक वे कॉन्सेप्ट्स विच आर कॉन्सेप्ट गायब हो गया सर। यस सर, वही सोच रहा था मैं, टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Scientific conception of work from the point of view of science, following two conditions need to be satisfied for work to be done. First, a force should act on an object. Second, the object must be displaced. If any one of the four above conditions does not exist, work is not done. A girl pulls a trolley. The trolley moves through a distance. In this way, she has exerted a force on the trolley and it is displaced. Hence, work is done. Work done by a constant force. Okay, ek minute. Anant, ek minute. Yes. I have some questions for you. Firstly, chat box mein likhna answer. मैं लाइन भेजूंगा उसके बाद। एक बहुत बड़ा पत्थर है, रॉक है, चट्टान, और तुम उसे अपनी जान लगा के धकेल रहे हो, पसीने पसीने हो गए तुम, बट वो एक सेंटीमीटर के, एक मिलीमीटर भी नहीं खिसकी, एक माइक्रोमीटर भी नहीं खिसकी। इस केस में इज द वर्क डन और नॉट? Keep your answer ready. I'm going to send the line. Please post the answer immediately. पत्थर धकेल रहे हो, बहुत बड़े रॉक है, जरा सा भी हिली नहीं वो, जान तुम पसीना पसीना हो गए। तो work has been done or not? 5, 4, 3, 2, 1, go. बिल्कुल सही जवाब है, No work has been done. No work has been done. तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर बंदे को पसीने आ गए, आप कह रहे हो वर्क डन नहीं, तो ये हुआ क्या? मतलब तो मैं बताता हूं, उसकी जो बंदे की एनर्जी लगी ना, वर्क तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तो हीट उसके हाथों की में आएगी, वो थोड़ा सा जो पत्थर के अंदर के कुछ मॉलिक्यूल जिन पर प्रेशर लगा रहा हो, वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी वर्क जीरो है, वर्क जीरो। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप स्पेस में हैं, स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, और आप देख रहे हो कि स्पेस के अंदर एक रॉकेट चले जा रहा है, और वहां वैक्यूम है, वहां कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, अगर वर्क इज बीइंग डन और नॉट, आंसर प्लीज। सर मैं बताऊं रीजन? सर बिकॉज़ सर नो फोर्स इज अप्लाइड,
कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पे, वो घूम, वो सैकड़ों सालों से घूम रहे पत्थर, हजारों सालों से घूम रहे, मिलियन ऑफ ईयर से घूम रहे, कोई फोर्स नहीं लग रहा उन पे, क्यों? कुछ है ही नहीं उसको रोकने के लिए, तो उसको चलाने के लिए भी कोई फोर्स की जरूरत नहीं, जो कंडीशन में चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। तो हमने हमने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया, इनर्शिया को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो चले जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, कोई वर्क नहीं फ्रॉन्ट, ठीक, राइट। सो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, आई थॉट आई लास्ट इट नाउ। या अनंत प्लीज गो अहेड, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, या वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force. Let us assume if a constant force F acts on an object at point A, shown in the figure, due to which the object gets displaced through a distance S in the direction of the force and reach at point B. Then the work done W by force F on that object will be equal to the product of the force and displacement. Work done is equal to force into displacement in the direction of force. W is equal to F into S. Okay, so यहाँ पे एक और interesting वो लेते हैं, हम example लेते हैं कि आप suppose करो आपके दोस्त की कार की बैटरी डिस हो गई, बोला यार आ जाओ थोड़ा धक्का मार दो भाई, तुम धक्का मार रहे हो, जब तक तुम धक्का मार रहे हो और गाड़ी चल रही है तो वर्क हो रहा है। सपोज करो उसकी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी तो है ही बिल्कुल ही डेड है बैटरी, लेकिन थोड़ी बात तुम थक गए और तुम सारे दोस्त, दो तीन दोस्त जो धक्का मारे थे, यार हमसे नहीं होता अभी, उसके बाद भी कार चलती रहेगी लेकिन अब उस पर वर्क नहीं हो रहा। जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, वर्क खत्म हो गया, अब वो अपने मोमेंटम में जारी, वो अलग बात है, वर्क वहीं तक था जहां तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे। तो ध्यान रखना, वर्क को अलाउ करने के लिए फोर्स भी होना चाहिए और उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस भी कवर होना चाहिए। ओके खालिद, ओके अनकल्प, सॉरी खालिद, अनकल्प, अनकल्प भाई चलो आगे बढ़े, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गो अहेड नाउ। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, अंकल अंको भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सर, सर पॉइंट नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इन इक्वेशन, इफ एफ इक्वल्स टू 1 एंड एस इक्वल्स टू 1 मीटर, वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 N meter. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज 1 Newton meter. N Newton. ओके सर, 1 Newton meter. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इन न्यूटन मीटर, N meter, which is also called joule. Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. 1 joule equals to 1 newton into 1 meter equals to 1 joule equals to 1 newton minus meter. 1 Newton meter minus नहीं है यार, 1 Newton meter हो। 1 Newton meter. डैश लगा के उनको दिखाया जाता है न्यूटन मीटर। ओके सर। वर्क इज़ अ स्केलर quantity. It has only magnitude and no direction. तो जब भी आप बात करोगे वर्क इज़ बीइंग डन, यू डोंट हैव टू से विच डायरेक्शन इज़ बीइंग डन, जस्ट से इट इज़ बीइंग डन। ओके। Now guys, ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया कि एक फोर्स है 10 N का एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को 5 meter मूव किया गया, कितना वर्क डन? कुछ भी नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम्हें स्टंप करना है, अगर तुम्हें स्टंप करना है बंदे ने, अगर तुम्हें परेशान करना है क्वेश्चन आने वाले ने, एग्जामिनर ने, वो क्या करेगा, डिस्टेंस दे देगा तुम्हारा किलोमीटर सर, और तुम डिस्टेंस इज बीन गिवन इन सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में दे देगा, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि भाई उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? मीटर। तो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू मीटर, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स।
ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क, अंकल ये पॉइंट नंबर सिक्स भी पढ़ दें। ओके सर, पॉइंट नंबर सिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क, व्हेन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय द फोर्स। एग्जाम्पल, अ बॉय पुल्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स हिमसेल्फ, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू टी व्हेन द ओके, एक मिनट मैं अभी समझा, बस एक मिनट हो गया। तो दोस्तों सपोज करो आपने बॉल ऊपर फेंकी, नाउ ग्रेविटी अपना फोर्स अप्लाई कर रही है उसके ऊपर, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग अप्लाइड, सो ग्रेविटी जो काम कर रही है वो नेगेटिव है। फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है इनके रोलर्स के बीच में और अर्थ के बीच में, फ्रिक्शन वो नेगेटिव है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव फोर्स वर्क, ऑलवेज नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क क्या है, एक कुली है और कुली ने एक सूट के सर पे रखा हुआ अपने और चला जा रहा बंदा, तो जिस डायरेक्शन में वो चला जा रहा है उसमें तो वर्क हो रहा है, उसको तो हम मानते हैं वर्क डन। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन बाय द कुली अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, तो तुम देख रहे हो कि ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट तो उसका कोई है ही नहीं, ऐसे चला जा रहा सर पे, उसने रख रखा अपने बॉक्स रखा हुआ अपना और इधर को जा रहा हो, तो ग्रेविटी से तो उसका डिस्टेंस कवर चेंज हो ही नहीं रहा, जितना पहले था वही उतना ही, अभी ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क इज डन इज जीरो। अगर कोई बोले नीचे रखा हुआ था सामान, नीचे रखा था उसको उठा के उसने अपने सर पे रखा, देन वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कितना वर्क है, जितनी उसकी हाइट है नीचे से, सपोज कोई उसने बंदे ने 2 मीटर उठाया, सो एम उस मास जो उसने उठाया, जैसे 10 kg, 10 इंटू जी 9.8 इंटू 2 मीटर, इतना टोटल वर्क किया क्योंकि उतनी ग्रेविटी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। राइट, ओके गर्वित, नेक्स्ट प्लीज टेक ऑन फ्रॉम हेयर। या पॉइंट नंबर 7, गर्वित पढ़ो भाई, दादा गर्वित को कुछ लग रहा मैटर है, खालिद आप पढ़े। When the force and displacement are in opposite direction, angle between direction of force and displacement is 180 degree, work will be negative, that is work is done against the force. Example, frictional force acts in the direction opposite to the direction of displacement. So work done by friction will be negative. Work is equal to minus F into S. अच्छा ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये जो एंगल बार बार दे रहा है ना, तो नहीं तुम कंफ्यूज आ जाओगे, मैं समझा देता हूँ। देखो जो बंदा इधर जैसे बॉक्स को पुश कर रहा है, बॉक्स है और ये बंदा इसको इधर इधर पुश, इसी डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी भाई यही है, डिस्प्लेसमेंट की यही है, इनके बीच में एंगल जीरो है, जीरो एंगल है। अब देखते हैं उल्टा फ्रिक्शन वाला, आपकी जो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन उल्टा काम कर रहा है इसके आपके अपोजिट, तो कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। अब मैंने कुली वाला एग्जांपल लिया, अब ये कुली है, इसने वजन लिखा है सर पे, ठीक है, और ठीक है, और ये बंदा जा इधर को रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है और ग्रेविटी इस पे जो काम कर रही है वो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नो वर्क, 0 डिग्री पॉजिटिव वर्क, 180 डिग्री नेगेटिव वर्क। गर्वित गर्ग, यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मालिक कहाँ हो, इसके बाद पढ़ना है आपने। यस सर, ओके कंटिन्यू खालिद। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
angle between direction of force and displacement is 90 degree, work done is zero. Example, a coolie carrying load on his head. In this case, gravitational force is acting vertically downward, weight of load, and displacement is along horizontal direction. That is, force and displacement are perpendicular to each other. So in this case, work done by gravitational force is zero. Okay. Against gravitational force, kuch kaam nahi kar pa rahi hai uspe. Okay. Right. Garvit. Okay, not Garvit. Before that, I want to explain this to you. Guys, dekho. Question kya hai? Crane lifts a crate towards upward through a height of 20 meter. 20 meter uthaya. Lifting force provided by the crane is this much. How much work is done by the force? Okay. So jis crane ne uthaya hai, usi direction mein kaam ho raha hai. उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस, 500 इनटू 20 मीटर. ये तुम कुछ बच्चे 5k को देखकर घबरा जाएंगे, पर मुझे तो लगता है तुम लोगों को k से प्रॉब्लम है. तुम्हारी जनरेशन को k पता है, 1000 होता है. नहीं बोलते कि मेरे 2k फॉलोवर्स है, 4k फॉलोवर्स है. यस सर, वो सर हर ऑनलाइन पेज भैया. हां, तो k का मतलब 1000 है. ओके, चेक पॉइंट 1 और पढ़ दें. ओके, चेक पॉइंट 1 पढ़ेंगे अपना गर्वित. पढ़ें चेक पॉइंट 1. यस सर. Give two necessary conditions without which work is not said to be done in science. Two conditions are: force should be applied. Secondly, there should be displacement in the direction of force. Fill in the blank. Dash, work is done by a pulley to carry load on his head. Okay, ये incomplete question है. इसमें they should have said against the gravity or against the gravitational force. Answer तब भी zero होगा, अभी भी zero है, लेकिन अभी zero doubtful है. अगर वो कहे बंदा फोर्स लगा रहा अपने पैरों से और 50 मीटर चल के गया, तब तो वर्क हुआ भाई. दे शुड हैव सेड अगेंस्ट. तो इसलिए मैं बोलता हूँ बुक्स के अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती है, चाहे वो अरिहंत जैसी अच्छी बुक ना हो, महंगी बुक हो, तब भी गलतियां होती है, मिस्टेक होती है. पॉइंट नंबर 3, प्लीज. स्टेट ट्रू फॉल्स. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वर्क डन बाय अ, इसका आंसर तुम लोगों से चाहिए मेरे को. हां, या प्लीज कर दीजिए. 1 न्यूटन मीटर. इफ अ force of 1 newton displaces a body by 100 centimeter. Okay, 5 4 3 2 1. True false. Aaya nahi ab tak kisi ka answer nahi aaya. But ghatiya itna time lagaya. Mahi answer, Harshita answer. Main batau kaise? Bata raha hu. ओके, मेरे ख्याल से सबका ठीक है एक्सेप्ट खालिद. अनंत इज गिविंग एक्सप्लेनेशन. अनंत प्लीज एक्सप्लेन. सर पहले तो सर हम 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे. बिल्कुल ठीक है. कितने मीटर हो जाएगा सर? 1 मीटर. 1 मीटर और फोर्स कितना है? 1 न्यूटन. यस सर. फिर हम लोग इनटू कर देंगे तो 1 ही आएगा. 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1. खालिद कैसे गलत हो गया? सर यूनिट नहीं देखी. ओके, देख मैं तो बता. अब तू ही तो खुद बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले. या एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल मीटर. गलत बात. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. जूल ओनली. जूल ओनली. ओके, व्हेन इज द वर्क सेट टू बी डन नेगेटिव? व्हेन वर्क इज हैपनिंग व्हेन द मोशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, स्केटिंग करने वाला बंदा आगे जा रहा है, फोर्स पीछे अप्लाई हो रहा है, तो वर्क पीछे की तरफ हो रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव फोर्स कहेंगे. Give the formula to calculate work done on object if force applied and displacement is unknown. So, work is equal to F into S, force into displacement. Right, Garvit, continue with energy. Yes, sir. Energy. It is the ability to do work. It is always essential for performing any mechanical work. An object having the capability to do work is said to be Is said to possess energy. The object of which does the work loses energy, and the object on which work is done gains energy. The energy of an object is measured in terms of its capacity of doing work. The SI unit of energy is same as of work. Joule. That is joule. 1 joule of energy is required to do 1 joule of work. A larger unit of energy is kilojoule. 1 kilojoule is equal to 10^3 joule. Okay, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. करवित रुको. तो दोस्तों देखो, कार पे धक्का मार रहे हो तुम,
तुम्हारी एनर्जी तो जाएगी डाउन और कार की एनर्जी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, बॉल लिया आपने, बॉल को आपने फेंका, अगर तो आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका ऊपर की तरफ, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक जीरो, और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, फिर अब पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी, काइनेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक। दिस इज वन। सेकेंडली आपने अपोजिट वो नहीं फेंका, आपने उसको इस डायरेक्शन में फेंका, एक्सेलरेशन दिया आपने स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, आप थकेंगे, आपकी एनर्जी कम होगी, जिसके ऊपर काम किया आपने उसकी एनर्जी बढ़ेगी। राइट, गर्वित गर्वित ने पढ़े खाली, माही आपका चांस है अभी, आप पढ़े। यस सर। राइट माही, यू रीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 10। Work done against a force is before and stored as energy. Example, when a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. When a wicket ke andar bhi kinetic energy aa gayi. Yeah, go ahead. When a raised hammer falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. Bhai, ye nail aur wood ka ek question aata hai, bahut dimag ka kharab karne wala hai. Main sikhaunga jab aayega question, to ध्यान रखना इस बात को कि सर ने ऐसी कुछ बात कही थी। अरे ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, बट आई थिंक वी कैन मैनेज। या एक बार पढ़ना। नहीं, सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। वी कैन आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स इन द ओशन। एक दिन मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्कशन दूंगा, अगली क्लास में याद दिलाना, मैं तुम बताऊंगा किस तरह से हमारी जो पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर ये जो मैटर है, ये भी एक एनर्जी ही है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा कैसे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिससे काम हो सके, जिससे चीजें मूव कर सके, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, electrical energy and light energy. Light. Okay. Kinetic energy, the energy which is possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. Its SI unit is joule J. Kinetic energy of a body moving with certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Kinetic energy of an object increases with its speed. Due to kinetic energy, a bullet fired from a gun can जो वाटर है ना, ऊपर ग्रेविटी से आ रहा है, तो ग्रेविटी हैज वर्क्ड ऑन इट, ग्रेविटेशन फोर्स हैज वर्क्ड ऑन इट एंड इट हैज कम डाउन वर्टिकली, so that has now converted into kinetic energy. Okay, after Mahi, let us have Rishit reading. Rishit, please read. The kinetic energy possessed by an object. Point number 14. Point number 13, kinetic energy possessed by an object. Kinetic energy possessed by an object of mass m moving with a uniform velocity v is given by ke or कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर द वेलोसिटी. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity v. A force F is applied on it, which displaces it through a distance of s and attains a velocity of v. वो ही मैंने पूरी जो कहानी समझाई है उसी को. Okay, the work done now. Sir, कहाँ पे है? ये नीचे आ जाए ना, ये then the work done is. जी मेरा माउस यहाँ घूम रहा है.
then the work done to increase its velocity from u to v, v to u is w is equal to ft. Yes. fs jo maine samjhaya. According to the equation of motion, v square minus u square is equal to 2as. S is equal to v square minus u square upon 2a, where a is uniform acceleration, u is the initial velocity and v is the final velocity. अब उसकी वैल्यू रख दो बस इधर. Also from a, f is equal to ma. ये मैं पढ़ देता हूँ. Substituting the value of f and s from equation, we can put w is equal to ma into v square minus u square upon 2a और half into m v square minus u square. लेकिन u square क्योंकि zero होता है, u zero होता है, इसके लिए जी हटा दिया. W इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर. तो ये इसको निकालने का वैसे पूछते नहीं एग्जाम में, बट तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, सम रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. ओके दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर. कि आप सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और ऑब्जेक्ट का की प्रेजेंटेशन. हाँ, प्रेजेंटेशन, थैंक यू. ऑब्जेक्ट का की जो है, ऑब्जेक्ट का जो की है, ek जिसको बोल दो, k बोल दो, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ये मेरा क्वेश्चन जा रहा भरत को. भरत एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड से जा रहा है, ये है, और एक एक ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से जा रहा है लेकिन उसका मास जो है डबल है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाले से कितनी ज्यादा होगी भरत? जिसको भी आंसर जल्दी आएगा पहले बता सकता है मेरे को. दो बॉडी है, सेम मास है, इसका भी एम है, इसका भी एम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी टू वी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क होगा? अगर ये वन है तो ये कितनी होगी? माही और गर्वित दोनों में जो जल्दी देगा आंसर, टू. ओके, गर्वित सर टू. ओके, भरत सर टू. ओके, अनुकल्प सर सेम टू. वैभव सर कैन यू रिपीट वंस अगेन? आई एम सेइंग दो दो ऑब्जेक्ट है. तू क्या बीच में कोई गेम खेल रहा है क्या? नो सर, वो नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो रहा है. टीचर को बोलते हैं ना कि सर कैन यू रिपीट मैम, भाई साहब पक्का वो कुछ और देख रहे होते उधर. नो सर, आई एम इन विलेज एंड नेटवर्क डिस्कनेक्शन. मैं बोल रहा हूँ दो ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम, ये भी एम वाला है और ये भी एम वाला है, लेकिन इसकी वेलोसिटी v है और इसकी 2v है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क होगा? और इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स से 1 जूल है, इसकी कितनी होगी सर? इनटू 4 होगा. ओके, ऋषित कितने कितने टाइम ज्यादा होगी सर? ऋषित ओके, अर्षिता कितने टाइम ज्यादा होगा? हाँ, गो अहेड सर, डबल होगी. ओके, अर्षिता कितना होगा? ओके दोस्तों, एक बात बताओ, ये है, दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस विल बी हाफ एम टू वी स्क्वायर. जब टू वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फोर वी स्क्वायर. फोर को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा फोर हाफ एम वी स्क्वायर. भाई साहब स्क्वायर हो रहा है इसलिए फोर. अकेला बंदा इसने सही आंसर दिया है वो वैभव. वैभव मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, दिमाग तो तेरे अंदर भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन तुम मेहनत अगर कर ले तो तेरे को फिर मुश्किल हो जाएगा रोकना लोगों को. यही तो दिक्कत है, लोग सब रुक जा रहे हैं क्योंकि मेहनत नहीं हो रही. हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता. हार्डवर्क ना करते तो हम तो इंसान थोड़े होते, जानवर ही होते, वही घास खा रहे होते. ओके, सो थोड़ा सा मेहनत करो गाइस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ वेरी इजी. स्क्वायर हो गया, टू का स्क्वायर हो गया. अरे चचा इसमें क्या समझाने वाला, सुनो. एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है,
निकालो इनकी काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. भरत नो प्रॉब्लम? नो सर नो प्रॉब्लम. हाफ एम टू वी स्क्वायर, जब टू वी को मल्टीप्लाई करेंगे टू वी से, टू वी इंटू टू वी, फोर वी स्क्वायर नहीं होगा क्या? यस सर. तो अगर मैं फोर, ये आ गया फोर वी स्क्वायर, इधर फोर वी स्क्वायर, तो अगर फोर को बाहर ले जाऊं उठा के, तो ये होगा फोर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, चार टाइम्स होगी ना, फोर टाइम्स होगी. ओके. और अगर थ्री कर दूंगा तो नाइन टाइम हो जाएगी, वो स्क्वायर होती जाएगी हमेशा. ओके, लेट्स जस्ट फिनिश विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. निशित पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, निशित विल कंटिन्यू. कल जिनको नई चांस मिला नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेल मी, आई विल मेक यू रीड. निशित प्लीज रीड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. Some important result can be derived from the formula K is equal to half mv square. These are given below. If mass of एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात बोलो, छोटी सी बात बोलो. दो पत्थर है सेम साइज के, आपकी तरफ आ रहे हैं, एक की वेलोसिटी कम है एक की वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी वो ज्यादा जोर से लगेगा ना क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है. दो पत्थर आ रहे हैं आपकी तरफ से, वेलोसिटी सेम है, एक मोटा पत्थर एक छोटा पत्थर है, मोटा पत्थर ज्यादा चोट मारेगा ना, क्यों? यस सर. उसका मास ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, याद रखना इस बात को. ओके प्लीज कंटिन्यू. नाउ इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट डबल्ड. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हेल्प इट्स हाफ्ड. अरे हाफ्ड बोलते भाई, हाफ को हाफ्ड, हाफ्ड इसमें तो एफ ही नहीं है सर, ये हार्ड हाफ्ड है. हाफ्ड बोलते हैं, हाफ नहीं, हाफ्ड, हाफ्ड एल साइलेंट होता है. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट हाफ्ड. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम फोर टाइम्स. हां, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4. वी गो हाफ इनटू हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. हैवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद सेम स्पीड. तो अगर सब, क्योंकि स्पीड की ज्यादा वैल्यू है, वो स्क्वायर होती है, तो अगर एक छोटा सा थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन स्पीड कम है, और एक छोटा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो छोटे वाले की क्योंकि वो स्क्वायर होती है वैल्यू ज्यादा जाएगी. ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बुलेट पुलेट के, ये मैं कराऊंगा तुम लोगों को, और मैं नोट्स डाल देता हूँ अभी, प्लीज रिवाइज कर लेना. ठीक है, बिफोर वी पार्ट वेज फॉर टुडे वी से गुड नाइट. टेल मी एनी डाउट्स. अनंत, अनकल्प, गर्वित, खालिद भाई, नो डाउट, हर्षित, हर्षिता, भरत, हाँ वो पूछ 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 सर. जैसे आपने कूली वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो कूली अपने सिर पे वो मतलब वो बर्डन उठा के आगे की तरफ चल रहा है, तो उसमें फिर उसका एंगल क्या फॉर्म होगा? नहीं, उसका मैं बताता हूँ, उसमें दो चीजें हो रही. वो बंदा तो चल रहा है और उसी डायरेक्शन में वो वेट लेके जा रहा है, तो अगर कोई पूछे कितना वर्क डन किया उसने, तो जितना उसने फोर्स लगाया इनटू वर्क हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, वर्क किया उसने. लेकिन अगर बोलता है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ, ग्रेविटी के खिलाफ काम तभी होगा जब वो सीढ़ी चढ़ेगा ऊपर की तरफ. अदर अगर फ्लैट प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो उसका वर्क ग्रेविटी के खिलाफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जीरो माना जाएगा. गर्वित, ओके सर. लेकिन अगर वो सीढ़ी चढ़ के गया, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के खिलाफ गया है फोर्स लेके, और वो 10 मीटर सीढ़ी चढ़ी उसने 10 मीटर की, तब उसका वर्क ग्रेविटी के खिलाफ माना जाएगा. गर्वित, ओके सर. ठीक है, ऑल राइट गाइस, शब खैर, गुड नाइट, सायोनारा, वी मीट टुमारो, बाय बाय. सर आप ये नोट्स का सेट भेज देना, अभी भेज रहा हूं, अभी उठने से पहले. चलो बाय बाय गाइस.